हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली और ये जो रीडिंग है वो पाइसेस राशि वालों के लिए है, मीन राशि वालों के लिए है। सन, मून और राइजिंग, अगर आपका चंद्रमा, आपका लग्न या आपका सन साइन जो है वो पाइसेस है या मीन है, तो आप अप्रैल के मंथ में ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपकी लव लाइफ, आपके करियर और हेल्थ में क्या आने वाला है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप सारे लोगों से ये मैच करेगी। अगर आप लोगों से मैच नहीं करती है तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप वो भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप डेली पिकअप कार्ड रीडिंग या ओरेकल रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी जो यूज़र नेम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री एम्परर रिवर्स में आया है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे पास है डेविल रिवर्स में आया है, एट ऑफ कप्स, डेथ भी रिवर्स में है और मैजिशियन का कार्ड है। लव कार्ड में हमारे पास आए हैं कोडिपेंडेंसी, ये मैं आपको अभी दिखा दूंगी पूरे कार्ड, रिलीज योर एक्स, स्पिरिचुअल पाथ, फॉरगिवनेस एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग जो हैं, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो अप्रैल मंथ है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग वो सारे लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए ठीक नहीं है वो आपकी ज़िंदगी में से दूर जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं, आप खुद उन लोगों में से बाहर आने वाले हैं। कोडिपेंडेंसी का और डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है, जो दोनों बात करते हैं किसी तरीके की, या तो एडिक्शन की या फिर ये भी बात करते हैं कि मे बी हो सकता है कि आप किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, चाह के भी उन्हें छोड़ नहीं पाते, ना तो उनके साथ खुश हैं, ना ही सुखी जीवन है आपका उस पर्सन के साथ, और ना ही वो आपको कुछ लॉन्ग टर्म दे रहे हैं, लेकिन फिर भी घूम फिर के आप वापस एक साथ आ जाते हैं। उस पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो आप एंड करने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, जो बहुत पावरफुल एनर्जी है मुझे कहीं ना कहीं दिखा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ना रहिए चीज़ों को लेके अप्रैल के मंथ में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही होगा। उसके अलावा हमारे पास कार्ड है रिलीज़ योर एक्स, जो कि बात करता है कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अप्रैल के मंथ में। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नहीं है और वो सिर्फ बैठ के अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको आप बाहर निकालिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मे भी हो सकता है कि ईगो की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है अप्रैल के मंथ में, लेकिन कोशिश ये करिए कि बहुत ज़्यादा ईगो में ना रहिए और बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए नेगेटिव ना सोचें। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं उतनी ही ज़्यादा ख़राब होंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे एक नई चीज़ भी दिख रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन जो है वो आने वाला है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल पर्सन है ये, बहुत इमोशनली मैच्योर पर्सन है, जो आपको एक स्टेबल कनेक्शन या लव ऑफ़र जो है वो देंगे। हो सकता है यह पर्सन आपके फ्रेंड हो, जो बहुत सालों से या बहुत समय से आपको ये ऑफ़र देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप, या तो हो सकता है अपनी एक्स की वजह से या किसी और दिक्कतों की वजह से कि आपको लगता है कि आप शायद रेडी नहीं हो, आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे थे या इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को के साथ रिलेशनशिप में आए अप्रैल के मंथ में। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कार्ड है फॉरगिवनेस, पास्ट में जो भी हुआ उस पर्सन को माफ़ करके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़िए, उससे बाहर निकल जाइए। उसके अलावा यहाँ पे कार्ड है स्पिरिचुअल पाथ, अगेन मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा बड़ा चेंज आने वाला है जो स्पिरिचुअल पाथ की बात ही करता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अगेन सेम चीज़, अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एक्स जो है वो वापस आएंगे अप्रैल के मंथ में, लेकिन आप पे ये डिपेंड करता है कि अब आपको सारी चीज़ें जो है वो उस पर्सन के साथ ख़त्म कर देनी है। डेथ कार्ड रिवर्स में है, बट मैं यही कहूँगी कि इसको आप कहीं ना कहीं अपराइट की तरह से ही देखिए कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देनी है अप्रैल के मंथ में, वरना अदरवाइज थोड़ी सी आपको किसी और रिलेशनशिप में आने में या जो पर्सन पहले ही आपके साथ है उनके साथ थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ कार्ड है टिकटॉक, मे भी आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उम्र निकल गई है या टाइम निकल गया है लव को लेके, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हैं या आपकी शादी नहीं हुई है तो। साथ ही साथ कार्ड है हैप्पी हैप्पी, ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बात करता है कि अभी के अपने समय को इन्जॉय करिए, बहुत पास या बहुत फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अप्रैल के मंथ के लिए। साथ ही साथ कार्ड है ब्लेस्ड, आप लोग जो हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं, आपकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन लोगों के लेकर भगवान को धन्यवाद बोलिए, अल्लाह को धन्यवाद या शुक्रिया करिए
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। वही लोग आपको अप्रैल के मंथ में बहुत हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में, इन सारी चीज़ों के अंदर। तो चलिए आपका करियर देख लेते हैं कि करियर में क्या आने वाला है। करियर में हमारे पास कार्ड है 3 of Cups रिवर्स में, 10 of Wands, 8 of Cups, 10 of Swords रिवर्स में, 9 of Cups रिवर्स में और 9 of Cups। ओके, कहीं ना कहीं मिक्स्ड एनर्जी है, अच्छी चीज़ें भी हैं, उतार चढ़ाव भी रहेंगे अप्रैल के मंथ में। हो सकता है कि काफ़ी लोगों के चांसेस हैं, अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या काम में हैं तो शायद आपको अपने पार्टनर से कुछ तकलीफ़ हो सकती है या उनकी वजह से कुछ दिक्कत जो है आपको अपने बिजनेस में हो सकती है या वर्क में हो सकती है। हो सकता है कि कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में जो आपके हित में चीज़ें नहीं चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं। इस तरीके के लोग जो हैं शायद थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो खड़ी कर सकते हैं अप्रैल के मंथ में आप लोगों के लिए। यहाँ पे 10 of Wands का कार्ड है जो कि बात करता है कि शायद या तो आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे प्लानिंग करने में चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में, या स्ट्रेस रहेगा थोड़ा सा वर्क लाइफ को लेके। मे भी आपको लगेगा कि समय चला गया है, ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 of Cups का कार्ड है जो कि मुझे बोलता है कि अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा करियर को लेके वर्क को लेके स्ट्रेस ना लीजिए, फैमिली के साथ जो है वो समय जो है वो बिताइए कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी अगर आप लोग बहुत कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे वो आता हुआ नहीं दिखता, टू बी ऑनेस्ट। अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई मुझे नहीं नज़र में आती है। मुझे बस ये दिख रहा है कि पुरानी जो आपकी सोच है, एक थिंकिंग है नेगेटिव चीज़ों को लेके कि चीज़ें अच्छी होंगी ही नहीं। उसके अलावा जो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं 10 of Swords की एनर्जी में से बाहर आने वाले हैं। हो सकता है रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो जिसका रिजल्ट अच्छा ना आया हो, या कहीं ना कहीं जॉब आपको मिली नहीं जो आप चाहते थे, तो उस वजह से आप बहुत परेशान चल रहे थे। लेकिन आप अप्रैल के मंथ में ये सोचोगे कि छोड़ो आप सब कुछ, रिलैक्स करो क्योंकि अभी कुछ हो नहीं सकता। साथ ही साथ कार्ड है पैशन का, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। ये कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो बात करता है कि ये बहुत अच्छा समय है कि आप सोच विचार करिए कि आपका क्या पैशन है अपने करियर या वर्क को लेके, किस चीज़ में आपका दिल लगता है, क्या चीज़ आपको दिल से करना पसंद है, वो चीज़ जो है आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी ज़िंदगी में आगे। नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इन साइड योर माइंड एंड फ्रॉम अदर पीपल। ये कार्ड कहीं ना कहीं जो है बात करता है भगवान अल्लाह एंजल्स जो है आपको कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में या दूसरे लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं ताकि आप जो है सही रास्ते पर जा सकें और लाइफ में सक्सेस मिल सके। हेल्थ में हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, 8 of Cups रिवर्स में आया है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है और 4 of Cups आया है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत इग्नोर कर रहे हैं, चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करिए अप्रैल के मंथ में। अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे 8 of Cups भी रिवर्स में आया है। मे बी किसी इमोशनल चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, बीपी हाई, बीपी लो की दिक्कत भी हो सकती है, सर दर्द की दिक्कत भी मुझे यहाँ दिखती है कहीं ना कहीं। आप में से काफ़ी लोग जो है उनमें शायद आयरन की कमी हो सकती है, इस वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है, तो अपनी हेल्थ पे जो है ध्यान दीजिएगा अप्रैल के मंथ में। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।